এখনই আমরা সবাই পরিক্রমায় বেরোব, রেডি হয়ে যাব। আমি আপনার পরিক্রমাকে নিয়ে नाचेंगे, वृंदा का नृत्य आप लोग जानते हैं। Hare 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 Krishna
Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh,
जैसे कोरोना काल में भी कितना लोग इकट्ठा हुए और सबने परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और सारा महाराज भी हमारा साथ है और हम अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं और जो लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं, घर में बैठे रहिए और देखते रहिए आपका चैनल भी तिरंगा पानी और हमें आपके साथ आप दिखाएंगे और आप दर्शन करेंगे लेंगे पूरा। देखेंगे हम, तुम देखोगे? एक मिनट नहीं, दो मिनट नहीं, पूरा के पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए अभी तलंगर पानी में और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे श्री देवानंद गौरी मठ और आपको वहां से मिलेगा अलग अलग भाषाओं में। आज का पहला दिन 2021 लिखता कैमरा नंबर 5। हम आधा नहीं छोटा नहीं है, हम दिखाते हैं पूरा वीडियो। एक कैमरा लगाएगा लिखता कैमरा नंबर 5। तभी भी पूरा तो दिखाता हूँ, कट तो नहीं देता हूँ। पूरा दिखाने से कोई नहीं होता, बताना चाह रहे इम्पोर्टेंट सीन, कभी भी इम्पोर्टेंट की वैल्यू होती है। देखते रहिए और देखते रहिए और बने रहिए विकलंगर वाणी में। महाराज जी अभी कुछ बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी के मुंह से आप लोग बहुत पढ़ इंग्लिश मार्क्स 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 हो रही है इंग्लिश बताइए अच्छे बोलो दी। टुडे इज द संकल्प डे ऑफ आवर नवोदय मंडल परिक्रमा 2021। सो ड्यू टू द एडवेंट ऑफ कोरोना वायरस द होल ओवर द वर्ल्ड स्टिल वी आर कंटिन्यू आवर सर्विस ऑफ श्री विद्यापीठ गुरुदेव मित्र जिला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एंड ऑल्सो नित्य जिला प्रविष्ण विष्णु अष्टोत्तर श्री वामन गोस्वामी महाराज एंड वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दिस टू आचार्यस सेंटेनियल बर्थडे सेरेमनी ऑब्जर्विंग। टुडे इज आवर लास्ट डे एंड टुडे वी आर गोइंग टू आवर लाइव 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 देवानंद गौरी मठ। दे आर हेलो आफ्टर द वी हैव टू गो हेलो हेलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महाराज जी एक बोला दिन कोथा जा March, we are going to Sankalpa, first we are going to Devananda Gauri of Mutt, then we offer our homage to Guru Sri of our Dicha Guru Nikulakrama Kedan Kisrava Anivarshan Maharaj and Dicha Guru Kedana Sankalpa Maharaj. Then we go to the Ganges, Sankalpa and offering our homage. I'm sorry.
जैसे कि देख रहे हैं कृष्ण मुरारी प्रभु का स्माइल सुबह सुबह देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है हमारे साथ चिल्ला भक्ति वेदांत हरिप्रसाद महाराज जी भी हैं महाराज जी भी अभी जा रहे हैं आगे
महाप्रभु ने जैसे भागवत को पार डाले, इसका मतलब है जिस भागवत को रसमय है, भक्तिमय, प्रेममय, उसको ये चीज को नहीं समझ सका। कल ऐसे भागवत पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है, इसको महाप्रभु भागवत को पार दिए। पार दिया मतलब है भागवत का जो सिद्धांत है वो भक्ति प्रेम, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, इसलिए ये मंदिर का नाम देवानंद गौड़ीय मठ ने नाम रखा। अपराध पाप है, जहाँ पर आने से जीव का इतने प्रारंभ अपराध का बीज को इतने अनर्थ पाप सब के सब नष्ट हो जाता है। श्रीधर महाराज जी की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है श्री देवानंद गौरी मठ, और इसी गौरी मठ में हमारा जितना भी गुरु वर्ग है, अभी जितना गुरु वर्ग सन्यासी को आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये सब ने अपना बच्चा जीवन का शुरुआत यहाँ से किया था, इस मठ का जो भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज जी ने एक बढ़िया सा बात बनाया, जिस बात को लेकर सारा भारत वर्ष भ्रमण कर रहे हैं। Oh,
चल 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 धीरे धीरे चल 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 धीरे धीरे चल धीरे धीरे चल। जैसे देख रहे हैं कि विद्यालंग पानी का सर्दी में मिला था आपके पास जैकेट और आप मिल रहे टी शर्ट, और देखिए टी शर्ट पहने हुए बच्चे लोग कितना बढ़िया से परिक्रमा कर रहे हैं, और थोड़ा देर में इन सबको मिलेगा टोपी और छतरी भी। अगर आपको चाहिए ये सब गिफ्ट तो बने रहिए हमारा साथ, देखते रहिए विद्यालंग। बस अभी कुछ ही देर की प्रतीक्षा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे देवानंद गौरी मठ। और देवानंद गौरी मठ से क्या कथा आज करेंगे स्पेशली, इस बार सत्यवार्षिकी है तो सत्यवार्षिकी का जो कथा है वो हर साल की तरह नहीं होगा, उसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। और हाँ, वही अलग कथा सुनने के लिए एक भाषाओं में नहीं तीन अलग अलग भाषाओं में सुनने के लिए पूरा पूरा वीडियो का देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए विद्यालय लाइव। कीर्तन करना चाहते हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स में और कीर्तन रहिए, कीर्तन का लिरिक्स हमारे साथ और बने रहिए, बोलते रहिए जय नंदलाला जय गोपाल। बच्चे लोग कितने अच्छे से पहने हुए Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare।
चुका है देवानंद गौरी मठ और बस देख रहे हैं आप देवानंद गौरी मठ का जो मेन गेट है वो हम पहुंच चुका है। बड़ा महाराज जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम पहुंच चुका है देवानंद गौरी मठ। इसी देवानंद गौरी मठ से उन्होंने जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
आते हैं निकलिए। Thank you.
जैसे कि देख रहे हैं श्री गुरुदेव अपना जीवन सब यहीं से शुरू किए थे। परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का मठ है और देवानंद गुरुदेव मठ है। जितना भी आज का गुरु मठ देख रहे हैं अभी सत्य प्रभु हमारे साथ है, सत्य इस मठ के बारे में पुराने कुछ कहानी जरूर बताएंगे। ये देवानंद गुरुदे मठ है, ये क्या बताएंगे अन्ना आ चुका है हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप तो लगने का जा बोल प्रणाम करो खाली करो जल्दी से प्रभु महाराज जी अंदर से महाराज धन्यवाद प्रणाम महाराज गुरुदेव राज से तो ये रूम खाली करो, कृपया रूम खाली कर दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज जी अभी जाने जाने गुरुदेव राज से बोलो मेरे खाली करो। महाराज की जय। এখানে বসলাম ভজন কোটি মহারাজ কি ঠিক আছে।
अब पहले भी भगवत गीता का परिक्रमा किया, इससे पहले भी किया। अब वो अपन बैठा मानी बैठा मानी अमर आगे लो शिल गुरुदेव की जय। हाँ हाँ महाराज की जय। प्रभु भजन कोटी भजन कोटी खाली कर गुरुदेव जय। अभी हम पहुंचे श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी का भजन कोटी, जिनका शतवर्ष के परम गुरुदेव का देखिए परम गुरुदेव का भजन कोटी है। परम गुरुदेव भजन करते थे, विश्राम करते थे। ये मेरा जन्म स्थान है, इधर इसमें हमारी दीक्षा हुआ था। मेरे जन्म स्थान इसी कमरे में दीक्षा हुआ था। भजन कुटी रास्ता नहीं नीचे नमा दाम हरे कृष्ण हमारे साइड रात देख रहे हैं। अभी श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी का भजन कुटी महाराज जी आ रहे हैं। यू ऑल आर वॉचिंग श्री गुरुदेव भजन कुटी। यू ऑल आर वॉचिंग श्री गुरुदेव भजन कुटी इन परम गुरुदेव मठ श्री देवानंद मौर्या मठ। श्री गुरुदेव यूज्ड टू रिजाइड हियर and the next door is Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj Bhajan Kutir. Very fortunate, we on this day of Sankalpa, we arrived here in Shri Devanand Gaudiya Math, having darshan of Shri Bhajan, Shri Gurudev and Srila Vaman Goswami Maharaj Bhajan Kutir. Hari Bol. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj ji ki jai. महाराज जी लोग यहाँ पे सोते थे। अब लोग देख रहे हैं कि ये दोनों परम गुरुदेव के भजन कुटी हैं और महाराज जी लोग सब यहाँ पे लाइन लगा के सोते थे। उस समय बिस्तर नहीं हुआ करते थे और ये लोग इतना प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, भजन करते थे, गुरु सेवा करते थे। और गुरु सेवा का जो फल है, गुरु निष्ठा का जो फल है, वो आज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लोग भक्ति में कितना आगे हैं, कितना आगे बढ़ चुका है। तो इसी स्थान से अभी जैसे नरसिंह महाराज जी बता रहे थे, उनका दीक्षा भी वहाँ हुआ था। तो जैसे ये लोग जब भी इस धाम में आता है, ये इस मठ में जब आता है, सब पुराना याद जो है वो याद करते हैं। तो गुरुदेव जैसे दो दिन पहले यहाँ पे बैठ के सारा चीज बता रहे थे। एक बार मिर्चा का, जैसे परम गुरुदेव सुबह सुबह उठ के मिर्चा का पानी लेते थे, क्या करते थे, कितना बजे उठते थे, एक एक स्टेप कहाँ पड़ते थे, सब इनको इन लोगों को याद है। क्योंकि एकदम शुरुआत से जैसे आप लोग देख रहे हैं, इतना पुराना पुराना फोटोज भी यहाँ पे दिया हुआ है। हरि बोल। जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। अपने चरणों में मुंडिया मारी छी इंडिया को। ए बाबू कौन दिन থাকবে महाराज गुरुपाद पद्म ऑल यू टू दीक्षा हरिनाम इन हियर। So this is our origin, birthplace. Guru Padma ekhane thakten
গুরু পাঁচপদ মেয়ের ভজন কুটির এটা আদি পরম গুরুদেব এখানে থাকতেন এই রুমে ফার্স্ট এটা তারপরে নান্দ সময় এখানে থাকতেন এই ভজন কুটির এবং গুরু মহারাজ নানমায় ত্রিবিক মহারাজ এখানে বসতেন আমরা যখন ছোট ছোট ছিলাম এখানে থাকতাম ওনারা খুব সুন্দর হরিকথা বলতেন এখানে মিটিং হতো আগে আমাদের এই বৈভব ছিল না বিশাল আকার ধারণ করেছেন গুরুপাদ পদ্ম পরম গুরুদেব ত্রিবিক মহারাজ নান গোস্বামী মহারাজ আমার শিক্ষাগুরু তিনি মঠে রেখেছেন এবং তিনার কৃপা আশীর্বাদে এখন পর্যন্ত রয়েছি তার ভজন কুটির এটা তিনার ভজন কুটিরে এখনো আমরা এখানে ওনার সেবা পূজা করি এবং উপরে ভজন কুটি আছে এখানে কথা হবে महाराज जी बता रहे हैं कि उनका कैसे पुराना इनका याद आ रहा है यहाँ पे सत्य प्रभु को यहाँ पे मिर्चा का पानी मिला था हरे कृष्ण जी कथा बोले সামনে দিয়ে যেতে হবে পিছন দিকে গুরুদেব আসছে সাহায্যে হরে কৃষ্ণ প্রভু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ প্রভু পেছনে জয় গৌরভূমি সর্বভূমি বধেন মহারাজ ফ্রম গোপীনাথ গৌড়িয়া মঠ বৈষ্ণব কা আশীর্বাদ সে হম সব লোক ধাম দর্শন কর সকতে ধাম তো আপো সে দর্শন নেই হো সকতে আসলে ধাম তো কান সে দর্শন তো শুনিয়ে ভক্তিনাথ ঠাকুর ভক্তিনাথ ঠাকুর ক্যা বলা শুনিয়ে এই যে পাঁচ পবিত্র নদী হ্যায় लेकिन गुप्त रूप से क्या कारण है हम बोल नित्यानंद प्रभु बोले सुनो सर्वजन पंचमेनी रूपे गंगा भेटायो मिलन मंगा किनि अलका सहित भागीरथी गुप्त भावे हेदाय अच्छे सरस्वती পশ্চিমে যমুনা সহ আইসে ভগবতী তাতে মানস গঙ্গা মহাবেগবতী দেখো কিতনা মন্দাকিনী অলোপা ভাগীরথী
यमुना मानस कंपा सब पवित्र नदी यहीं पे है। ऑल होली रिवर, फाइव होली रिवर है। पंचमिनी अभिन्न प्रयाग, प्रयाग मतलब प्रयागराज स्टेशन हम देखा, वहीं पे कुंभ होता। तो प्रयागराज गुप्त रूप से यहीं पे भी है। महा महाप्राग बोलिया ऋषि गणे कोटि कोटि यज्ञ हिता कोइलो ब्रह्माशमे। पंचमी अपर नाम ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र स्थान यही महिमा अपार हिता स्नान करिले जन्म नहे आर। यहीं पे तुम स्नान करोगे तो हम कोई स्नान कर लेगा तो नहा लेगा तो उनका फिर से जन्म नहीं होगा। भौतिक जगत में, दुख का जगत में फिर से जन्म नहीं होगा। यहां महिमा के मां बोलने बारे बारे शुद्ध धारा शाम को नो तीर्थ नहीं भक्त नारे जगत कार्य अंतरिक्ष त्याजिया जीवा सर्व जीव पाए सिगोलो वृंदावो। देखो ये स्थान का महिमा भाषा में वर्णन कर नहीं सकते, इतना महिमा इतना मान। ऐसा सोचो कि ये हम लोग का भार अच्छा है इसीलिए हम लोग यहीं पे आ गया बुलिया। চিন্তা নেই মহাদায় बुलिया पहाड़ गंगा का किनार में एक ऊंचा जमीन है पर्वत माधव कोलोद्वीप नाम शास्त्र अक्षय वर्ण सत्ययुग सुनो सौरभ सत्ययुग का कहानी सुनिए क्या हुआ। कोलोद्वीप ब्रह्म भगवान भक्त वासुदेव की कृपा বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার বড়দেবের সেবা করে বারবার। এক ব্রাহ্মণ বহুত বহুত হমেশা কে নিয়ে ক্যা করতে বারহদেব কা পূজা করতে শিবরাহ মূর্তি পুজি করে উপাসনা সর্বদা বরাহ দেবে করে প্রার্থনা। ইয়া প্রার্থনা কেমন কি করতে প্রভু মরে কৃপা করি দেহ দর্শন সবল হল মোর নয়ন জীবন। আঁকো করব আঁকো করব असली भाव देने के लिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। आंखों में भगवान बस भगवान दर्शन नहीं होगा तो जानो ये सोच लो ये जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए दर्शन करना चाहिए, पहले कान से दर्शन करो उसके बाद आंखों से दर्शन करो। এই বলি কাঁদে মিত্র গড়া গড়ি যায় প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথা। ইস প্রকার বতা বতা কে বতা কে ভূমি কর লটপট খাতে খাতে আর আঁখো মে আঁসু। ইতনা রূপ পরে ক্যা হুয়া দেখো
वासुदेवर बड़ा दर्शन बड़ा दर्शन इस प्रकार करना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे मम्मी को बुलाने के लिए बच्चे को चल नहीं सकते, लेकिन मम्मी को बुलाने के लिए क्या करते, बोलिए क्या करते, रोते। इस प्रकार रोना चाहिए, दिल से रोने चाहिए। जब रोवा रोने किसको, जिनका संबंध हुआ उनका विरह होता और विरह से आंखों में आंसू होता। संबंध कैसे होता, सेवा से होता। इसलिए सबको दिल लगा के सेवा करना चाहिए, सबको सेवा करना चाहिए, तब भगवान के साथ संबंध हो। जितना गुरुवर के यहां सबके संबंध हो, संबंध होने से ही विरह होगा। ये विरह हमारा भजन है, विप्रलंब मतलब विरह हो, विरह नहीं संबंध हुआ नहीं, संबंध हुआ नहीं तो सेवा भी नहीं, कर्म हो कर्म। इसलिए देखो बारह वासुदेव मित्र क्या किया, हमारा चैतन्य महाप्रभु भी क्या किया, ऐसा रोते रोते भगवान गंभीरा में क्या बोला, कहा कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहा जाओ कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार भाव लेकर के जब हमारा दिल से रोने आएगा, तब तो हमारा महसूस होगा जो हाँ संबंध बन चुका, दर्शन तो होगा होगा। कत दिन शिवरा हो चंपा करी, देखा दिला वासुदेव को धोरी। इस प्रकार लटपट होकर होते होते रोते रोते जब बराहदेव के पास विनती किया, तो बराहदेव को रूप लेकर के दर्शन নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলে পদক্রিবা নাশা মুখ চক্ষু মনোহর। ইতনা আচ্ছা দর্শন, হম লোক তো বারহদেব কো বাহার সে দেখনে সে ক্যা হতা, ঘৃণা হতা, লেকিন এ বড় অলঙ্কার আভূষণ পেন পেনতে হুয়ে আবির্ভূত। इतना अच्छा वाला दर्शन, भगवान का दर्शन सबका आकर्षण, सबका आंखों सबका दिल खींच लेता। पर्वत समान उच्च शरीर देखी विक्रमी जे धन्य माने बार बार। वासुदेव विप्रो सुनता है, हमारा जिंदगी धन्य हो गया, अच्छा हो गया। भगवान दर्शन जब होगा तब हमारा जिंदगी अच्छा होगा। भगवान का नाम में जब हमारा मोती होगा, दिल जाए दिल लगेगा, तब सोचो कि हमारा जिंदगी अच्छा होगा। दिखावा भी काम नहीं, भक्ति दिखाने के लिए नहीं, भक्ति को छुपाने के लिए। हमारा गुरु जी बोलते थे, एक दान हाथ में राइट हैंड में कोई सेवा किया तो लेफ्ट हैंड का पता नहीं चलना चाहिए। जो बताने के लिए इच्छा होगा, सोचो कि ये घमंड की अंदर में अहंकार जब आएगा वो पतंग तो पहली हो गया, पतंग प्रकाश बाद में होगा। गुरु जी हमको पता, इसलिए सावधान रहो। सब जो भी हो सुनिए, इसके बाद क्या हुआ, भूमे पूरी विप्र प्रणोमिया प्रणोमिया प्रभुपाल देखी बड़ा होता कौन कही ले वासुदेव मधुर
भगवान को पूजा करना चाहिए। हर तरीकम से भगवान को जब सुख देगा वही चीज पूजा कहलाता है। हर एक तरीकम से मंदिर में पूजा करेंगे और बाहर में आकर के गाली देगा सबको, ये हो नहीं सकता, पूजा हो नहीं सकता। हर एक तरीकम से भगवान का शुरू तब होगा भगवान का पूजा। इसलिए हमारे गुरु जी बोलते थे बाबा सब कुछ सोच के करना पड़े, किसी को गाली मत दो, निंदा मत करो, सबका सम्मान दो, यही वैष्णव कथा है। चिंता करो, सहनशील हो, दिल से नाम प्राप्त करना छोड़ दो, ये हर एक चीज बताता हूं। गुरु जी का स्वभाव भी ऐसा है। हमारा गुरु जी वैष्णव समाज में ऐसा ऐसा रूप से परिचित थे जो गुरु जी महाप्रभु शिक्षा श्लोक का तृतीय श्लोक आठ श्लोक का साक्षात प्रतिमूर्ति स्वभाव में ऐसे थे। कोई लोग बता दिया तो सिर झुका कर सम्मान, जहां बहुत लंबा है तो महाराज जी इंतजार करना हमारे लिए, तो हमको जल्दी जल्दी भागना चाहिए। हमारा इच्छा था 7:30 बजे तक रुकने के लिए, हमको हो नहीं सकता, तो जल्दी जल्दी भागना। नहीं नहीं महाराज जी ठीक है, करिए यही नमो दीप मोर प्रकट विहार खोलिया गो मन हवे सुनो बात खोसा। नवद्वीप में सत्य युग में घटना हुआ था और बोला कि वासुदेव क्या माने, वासुदेव को कौन दिन क्या माने, वासुदेव को बराहदेव क्या बोला, यही नवद्वीप मोर प्रकट विहार गोलिया गो मन हवे सुनो बात खोसा। यही नवद्वीप में कली युग में हाँ हमारा प्रकट होगा, तो क्या नवद्वीप सर्वधाम नहीं त्रिभु बने, अति प्रिय धाम मोर आचे संकोपने। नवद्वीप गुप्त वृंदावन और नवद्वीप का महिमा वृंदावन से भी ज्यादा है। हमारा गुरु जी बोलते थे यहीं पे भगवान अवतार के प्रधान माधुर्य उदार जात पात महिला पुरुष वही विचार नहीं किया, सबको प्रेम दिया, सबको प्रेम दिया, और प्रेम प्राप्त नहीं होने से परमार्थो का लाभ कुछ नहीं, प्रेम प्राप्त प्रेम से गोलोक वृंदावन जा सकता, लेकिन प्रेम प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त का कृपा चाहिए, और शुद्ध भक्त का कृपा होने से ही भगवान का कृपा होगा। हमारा गुरु जी एक प्रबंध लिखा भगवत कृपा भक्त कृपानुगामी, भगवान का कृपा भक्तों कृपा द्वारा ही होता है। इसीलिए देखो विश्वास चतुर्थी बात जो लिखा साक्षात हरितेना समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भगवतेव शरणि, जो लिखा साक्षात हरितेना बात तो सही है, लेकिन बाहर से देखोगे तो सब तो अलग अलग है। कौन रूप से है भगवान और भक्त गुरु है,
कौन मुझसे ये बोला कि रे ये भगवान का कृपा भक्तों के द्वारा ही शुद्ध भक्तों के द्वारा गुरु के द्वारा हमारे पास है। इसीलिए और अलग जितना विचार है देखो सब अलग बहुत लंबा कहानी है वो बता नहीं सकता अभी। तो देखो नवद्वीप समधाम नाही त्रिभुवने अति प्रियो धाम आज संगपने ब्रह्मवर्त सब आज पूर्ण तीर्थ जत से सब आचरेता शास्त्र सम्मत जितना सब महिमा है पूर्ण तीर्थ है इस दुनिया में सब तीर्थ का एक साथ में जुड़ा हुआ ही नवदीप में हिरण्यकवद स्थान जैसे ब्रह्मार योग्य प्रकाश नशिला हिरण्यक्ष दंत विदरिया हिरण्यक्ष को जो हमारा दांत दे करके जो वध किया था सही स्थान ही थे सही स्थान पुण्य भूमि स्थान नवद्वीप से समस्त तीर्थवास नवद्वीप वास नवद्वीप में रहने से सारी तीर्थ का रहने का फल अपने आप मिल जाता है। नवद्वीप से भी सर्वतीर्थ मिला जाए नवद्वीप से सर्वतीर्थ माशे समस्त तीर्थ सारी तीर्थ जितना है दुनिया में सब तीर्थ का बात रहने का जो फल यहीं पे रहने से मिला तो क्या करोगे तुम बस धन्य तुम्हें नवद्वीप से भी ले गौरांग प्रकट काले जन्मी रहता कलयुग में जब भगवान गौरांग महाप्रभु रूप लेकर के जन्म लेगा जन्म लीला करेंगे उसी टाइम तुम भी यहीं पे यहीं पे आओगे तुम्हारा भी जन्म होगा अनाश देखी वैसे महासंकीर्ण अपूर्व गौरांग रूपे पावे दर्शन এত বলে শিবরহ হইল অন্তর্ধান দৈববাণী হইল পিপ্রে বুঝিতে সন্ধান পরম পণ্ডিত বাসুদেব মহাশয় সর্বশাস্ত্র বিচারিয়া জানিল নিশ্চয় ইস প্রকার আকাশবাণী শূন্য সে বার মানে ইস প্রকার বতা কে ओम देव अंतर्धान और वासुदेव विप्र सोच रहा क्या जे सर्व शास्त्र विचार सारी शास्त्र विचार करते हुए ये दिल में ऐसा नसीब हुआ वही वशतमान मंत्र है खोजिल संधान श्री गौरांग प्रभु लीला हमें वासुदेव को पता चला और क्या हुआ ऋषिगण सही तत्व राखी लोगो बने इंगित कोई लो सब बुझे विज्ञ जने मुंह पे बताया देखो भगवान का दर्शन जब होगा किसी का दर्शन हुआ तो सम्मान लेने के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जब दुनिया के पास आकर खा करके बताएंगे तो फल नष्ट होगा। इसीलिए हम बोला कि भगवान का जो उपलब्धि भगवान का जो भजन सब छुपाने के लिए दिखाने के लिए हमारा गुरु जी भी ऐसा ही शिक्षा ऐसा ही दिया इसलिए
सबको सावधान होना चाहिए। दिखाओ मत, दिल में जो महसूस हुआ वो आनंद हो, बताने से सब कुछ आ जाए। बहुत घटना है हमारे गुरु जी के साथ, वो हम बता नहीं सकता अभी, समय तो ज्यादा नहीं। ऋषिगण सहित अखिल भगवने इंगित कहिल सब बुझे दिग्गजने प्रकट हईले हईले लीला हईबे प्रकाश एवे गप ही तत्व पाइल आभास परमानंद चित्र करे संकीर्तन गौर नाम गाय मने मने संरक्षण। इसके बाद क्या हुआ, वासुदेव मित्र मुनिमन गौरांग गौरांग नाम ले करके नित्य कार्य में हम लोग कई स्थान में ऐसा ही दिखा। वही पे जो सुवर्ण विहार में राजा सुवर्ण सन भी ऐसा ही किया। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो तब हमारा जिंदगी अच्छा होगा। पर्वत प्रमाण कुलदीपेर सही देखी वासुदेव मने विचारिल धी कुलदीप पर्वताक्ष स्थान है सही हईते पर्वताक्ष हईल परिचय। अरे कुलदीप का वानरदत्त का इतना बड़ा शरीर तो लगता है कि जब पर्वत महो पड़ा वे दी नित्य लीलामय वृंदावने गिरी गोवर्धन जाने भक्त जने अभिन्न गिरी गोवर्धन। और गौलावन देखो यार उत्तरे रूपेर छतार सर्वदिक शोभा करे महिमा लिखा। तो हमारा तो और वक्ता थे लेकिन अभी तो हमको जाने पड़ेगा, महाराज जी भी गुस्सा होगा हमारे ऊपर। गुस्सा जरूर होगा, सुदर्शन महाराज जी भी है तो बहुत बड़ा बड़ा पंडित का बात है। तो हम सुना जे तो हमारा हम सुना दे जे ये जो वासुदेव रूप बाद में देवानंद पंडित रूप से आया, तो देवानंद पंडित बहुत बड़ा पंडित थे। एक बार क्या हुआ, यहीं पे श्रीवास पंडित आकर के देवानंद पंडित का भागवत कथा में घुसा और उसी टाइम शिवास पंडित भागवत कथा सुनते 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 ऐसा गदगद हो गया तो अष्ट शक्ति दिखा रहा। देखो भागवत कथा ऐसा ही है, जिनका जिनका दिल साफ है वो ऐसा ही होता, हरिनाम में ऐसा। देखो भागवत में राधा नाम नहीं क्यों बोला कि दे राधा नाम ऐसा प्रेम का गदगद नाम है, प्रेम का रूप है, कोई लोग सच रूप से राधा नाम लेगा तो वो गदगद होगा कि मूर्छित हो जाते। इसलिए आवाज में राधा नाम है लेकिन साक्षात रूप से राधा नाम सारा भागवत में, लेकिन राधा का कथा ही राधा का महिमा सारी शास्त्रों का। तो जो भी हो तो शिवास पंडित जब गदगद होकर के मूर्छित हो चुका, अष्टसत विकार आ गया, तो सारी जितना सब पंडित का सब फॉलोअर थे सब उनको देवानंद पंडित सब शिवास पंडित को लेकर के बाहर में निकाल दिया। तो क्या हुआ, देवानंद पंडित देखा लेकिन कोई माना नहीं किया, ऐसा मत करो तो लोग ऐसा मत करो अपराध होगा। हमारा सोच मुझे ऐसा है, हम देख रहे हैं कोई अपराध कर रहा,
लेकिन हम देख के कुछ बता पाए। क्षमता है लेकिन बताया नहीं, ये भी अपराध का शामिल होता। तो क्या हुआ, देवानंद पंडित का अपराध लग गया। उसके बाद महाप्रभु का कृपा उसके बाद मिला। जो भी हो, बहुत लंबा कहानी है और ज्यादा समय नहीं लेगा, हम कथा का विषय नहीं दे रहा। हमारा बड़ा और बड़ा बड़ा वक्ता है बोलने का बात उनकी इच्छा है, लेकिन हम लोग कोई जो बोले तो चापा पे अभी हम धीरे धीरे सिंचाई करना सरस्वत सीधा मंदिर में जाएंगे। वहीं पे नाश्ता होगा, नाश्ता करने से बाद समुद्र को होकर के चापाहाटी में ये सारी कथा फिर से होगी। महाराज जी बोलेंगे, साधु महाराज बोलेंगे और मेरा टाइम है का मैं अंग्रेजी भाषा में बोलने की जरूरत नहीं, हिंदी और बंगला दोनों है। हरि बोल, हरे कृष्णा, सबके चरण का गोपीनाथ गौरी मठ भक्तगण, अपना धीरे धीरे एगिए चलो चैतन्य सरस्वत शिला मंदिर। हरि बोल, गोपीनाथ गौरी मठ भक्तगण, जितना भक्त है धीरे धीरे चैतन्य सरस्वत शिला मंदिर में आगे चलो। हरे कृष्ण और ¡Gracias!
Yeah.
ब्रज धामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वन्दे श्रीपाद पद्मः श्रीवामन नारायण त्रिविक्रमः येषां कृपा प्रसादै भक्ति हृदि प्रकटिष्यति। वृन्दायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमी सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर এবং সমস্ত গুরুবর্গের শ্রীচরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করি। তদনন্তর মঞ্চস্থ আসীন শ্রী গোস্বামী মহারাজ, শ্রী পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীবন মহারাজ, শ্রী শ্রীধর মহারাজ, শ্রী সিদ্ধান্তি মহারাজ, অন্যান্য ত্রিদণ্ডীপাদগণের চরণে শতকোটি নমন। উপস্থিত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবীগণকে যথাযোগ্য প্রণাম এবং সাদর অভিনন্দন। আমাদের গুরুদ্বয়ের শ্রীজন্মশতবার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে এবং নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্যে সংকল্প গ্রহণ করার জন্য আমরা এখানে আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য এসেছি। এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমাদের পরম গুরুদেব প্রভুপাদের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। ওনার তিন স্তম্ভ ছিল, শ্রীল ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ। গুরুদেব বলতেন এটা আমার আতুর ঘর। আতুর ঘর মানে জন্মস্থান, আতুর ঘর মানে যেখানে জন্ম হয়। এখানে বলতেন এখানের এক একটা ইট ওনার মহিমার কথা বলবে। আগে নাটনদী ছোট ছিল আর জরাজীর্ণ হয়ে গেছিল, গুরুদেবকে ভেঙে আবার নতুন করে বড় করে করে দিলেন। এখানে যে গেস্ট হাউস দেখছেন ওখানে ও গুরুদেবের করা, ও পাশে স্কুল বিল্ডিং ও গুরুদেবের করা, সব এক একটা এর সাক্ষী দিবে। নবদ্বীপ ধামে যে নবদ্বীপ মণ্ডল, নটা দ্বীপ, ওর পূর্ব দিকে আছে পাঁচটা, এর পাশে চারটা। আমি পূজ্যপাদ ভক্তি বিভূত বোধায়ন মহারাজকে বললাম, মহারাজ আরও হরি কথা বলুন, কেন চলে যাবেন? বলছেন মহারাজ আর বলবেন না, বলছে আমরা এখান থেকে ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের ওখানে জলখাবার খেয়ে সমুদ্রগড় চাপাহাটি বিদ্যানগর জন্মদ্বীপ মামগাছে রাত্রে ওনারা ফিরবেন। ওনাদের এই সবগুলো একদিনে করবেন ওনারা বললেন। বলে জন্য মহারাজ ইচ্ছা থাকলে আর বসতেও পারবো না, এদেরও হরি কথা বলার সুযোগ হবে না ওনার সঙ্গে যারা এসেছে। একদিনে চারটা বললেন, মহারাজ আমরা তো প্রতিদিন এই দিনে আসি, আপনারা কোনোদিন দেখি নাই। বলছে করোনার জন্য আমরা একদিন আগে এসেছি এখানে। আমি বলি মহারাজ খুব ভাগ্য ভালো আমাদের, যখন আমরা মায়াপুরে যাই তখন তো দর্শন সম্ভব হয় না, আপনি কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন, আমাদের সৌভাগ্য, আপনি আমাদের চাচা, আপনি বসুন। আর যত হরিক বললেন না মহারাজ আর বসতে পারবো না, আর আমাদের এক ঘন্টা আমরা এখানে লেট হয়ে গেছি, এই জন্য আমরা এখানে বিশেষ হরি কথা বলবো না। সবাই আগে যেমন বলতেন সম্ভব হবে না, কারণ সংকল্প গ্রহণ, তারপর আবার নটার থেকে ওখানে সভা, বিভিন্ন মঠ থেকে বৈষ্ণবগণ আসবেন, ওনাদের স্বাগত সৎকার আছে,
আমি সর্বপ্রথম পূজ্যপাদ পরিব্রাজক মহারাজকে অনুরোধ করি, উনি এখানের কথা কিছু শ্রবণ করাবেন। পূজ্যপাদ পরিব্রাজক মহারাজ। অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকায়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। বাঞ্ছাকল্পতরুর্ভর্ষ কৃপাসিন্ধুভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। সর্বাগ্রে মোদীয় পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রৈষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টতরত শ্রীশ্রীল ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বাই মহারাজ শ্রীচরণ সরজে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ড অর্পণ তিনি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ মোদীয় শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রৈষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টতরত শ্রীশ্রীল ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বাই মহারাজের শ্রীচরণ সরজে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ড অর্পণ তিনি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ মোদীয় শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রৈষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টতরত শ্রীশ্রীল ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের শ্রীচরণ কমলে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ড অর্পণ তিনি নিবেদন করছি। এবং তীরনিপাতগণ মাতৃবৃন্দা ভক্তবৃন্দ সবার চরণে যথাযথ দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করছি। আমরা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে বর্তমান যে স্থানে এসেছি এটি হচ্ছে আমাদের শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ। এবং English translation also live telecast from Vidyalankar Bani Facebook page. Gaudiya Vedanta Samitir pradhan tin stambho ekta hocchen Srila Gurupad Padma Nitya Lila Prashna Vishnubad Ashtotarato Srisrinath Bhakti Vedanta Bamon Goswami Maharaj, ditiya number hocchen নিত্যলীলা প্রৈষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টতরত শ্রীশ্রীল ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বাই মহারাজ, তৃতীয় নম্বর হচ্ছেন নিত্যলীলা প্রৈষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টতরত শ্রীশ্রীল ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বাই মহারাজ। এই তিনজনে এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান স্তম্ভ এবং আমাদের বিভিন্ন প্রকার প্রচার ইত্যাদির মধ্যে এরাই তিনজনে এগুলো সহযোগিতা করে আমাদের গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে আরও উজ্জ্বল উন্নত ধরনের দিশা দেখিয়েছেন। সুতরাং আমরা তাদের চরণ ছায়ায় আমরা বর্তমান যে কেশবজি গৌড়ীয় মঠে আছি ওনাদের এটা হচ্ছে কীর্তি। সুতরাং আমরা সবসময় ওনাদের আদর্শ গুরু মহারাজের যে আদর্শ মানে সহনশীলতা শিক্ষা উনি দিয়েছেন, যে কেউ দেখবে শুনবে বলবে না। গুরু মহারাজের হচ্ছে এটাই হচ্ছে মহামন্ত্র, দেখবে শুনবে বলবে না, এইরূপভাবে আমাদের চলতে হবে। তাহলে আমাদের গুরু মহারাজ নিজে বলছেন যে তাহলে আমরা এই না এতদিন মঠে আসি কী করে, এতদিন মঠে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি, আমরা সব প্রভুপদের যেটা নিষ্ঠা সেই প্রভুপদের নিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে আমরা দেখব শুনব কিছু কাউকে কিছু বলবো না, কিন্তু কাউকে অবমাননা ইত্যাদি না করে সবাইকে যথাযথভাবে স্নেহ বা সম্মান ইত্যাদি আমাদের করতে হবে, তাহলে আমাদের জীবন মঠবার জীবন আমাদের সার্থক হতে পারে। বাঞ্ছা কল্পতর ভর্ষ কৃপা কেন্দ্র।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकुलदेवस्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो दाड़िए बोले ना बसे बस सर्वाग्रे मदीयगुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सतीर्थगण एंड विशेष करके प्रभुचरण परिव्राजक महाराज गोस्वामी महाराज एवं माधव महाराज और सिद्धांती महाराज पूज्यपाद श्रीधर महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। हम लोग आज श्रील गुरुदेव दय दोनों गुरुदेव के आज जन्म शताब्दी मना रहे हैं और तत्पलक्ष्य में भी हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा के आज संकल्प भी आम ग्रहण कर रहे हैं। यह नवद्वीप धाम जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं देवानंद गौड़ीय मठ, इस देवानंद गौड़ीय मठ में मेरा दीक्षा हरिनाम दीक्षा एवं सन्यास हुआ था। इसलिए प्राकृत कवि की भाषा में ही मैं दो शब्द भी बोलता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं जननी से भी जन्मभूमि जो है श्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि जन्मभूमि के महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं। जिस प्रकार स्वयं भगवान रामचंद्र भी जब वनवास में गए तब अयोध्या के मिट्टी को जो है अपने साथ में लेकर भी 14 साल तक वन में रहे और फिर 14 साल वनवास अतीत के पश्चात फिर अयोध्या में आकर के उनको भी प्रणाम किया। इसलिए हम लोग प्रतिवत्सर गुरुपाद की अनुगत्य में इस जन्मभूमि के हम प्रणाम करते हैं और वैष्णव के प्रणाम करते हैं। सभी वैष्णव लोग कृपा करें भक्ति मार्ग में हम कैसे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर आ जाने से सारी हमारी स्मृतियाँ जो है उदित हो जाता है। करीब करीब 40 साल तक इस स्थान पर हम लोग आते रहें और इस स्थान में जितने भी आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पर देवानंद गौड़ीय मठ, ये समस्त गुरुपाद पद्म की एक विशेष जो है वैशिष्ट और सारी स्मृतियाँ के जो है स्मरण करा देती है। जैसे महाराज जी ने बताया ये नाट मंदिर देख रहे हैं, यह नाट मंदिर उस समय जो है बहुत क्षुद्राकार में था, छोटा रूप में था। श्रील गुरुदेव ने इसके बहुत सुंदर रूप में प्रसार करके बनाया और इस तरफ जो धर्मशाला उस धर्मशाला ग्रंथालय ये समस्त यहाँ तक भी ये इस मठ के पीछे जो है और स्थान जो है वो स्कूल भी बनाया था, बहुत सुंदर स्थान भी है। इस समस्त गुरुदेव के जो है अवदान वैशिष्ट है। जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये स्मृति आ जाता है हमारे श्लोक पूज्यपाद परिप्राज महाजा महाराज उस समय कमलापति प्रभु ये समस्त जो है धर्मशाला के जो है देखभाल कर रहे थे। हमारे चाचा जी कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी मधुसूदन महाराज जी भी ये समस्त मठ की सब संचालन करते थे। इस मठ के जो है वो माही थे, सत्ता रूप में
जब इस ये जब होने लगे छाप जब ढलाई होने लगे जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और ये ढलाई होने के समय ये अकस्मात जो है हाँ ये क्या हो गया वो गिर गया वो रथ वहाँ पर जो है वो रथ जो है ये बिल्कुल ऐसे गिर गए थे। उस समय गुरु गौरांग चैतन्य महाप्रभु निसंग के कृपा से किसके थोड़ी सी भी खरोच भी नहीं लगा ना कुछ नहीं हुआ ये समस्त स्मृतियाँ आ जाती है ये समस्त जो है सेवा आदि हमारे शिल परिव्राजक महाराज कमलापति प्रभु हम लोग के सेवा में लगाते थे कि उनकी जो है ब्रह्मचारी की जितने टीम जो है उनके साथ में अनुगत्य में सब सेवा करते थे। उस तरह जो उस समय जो है प्रेस था अभी है कि मुझे पता नहीं उस प्रेस जो है उस प्रेस के ऊपर सब उसमें काम आदि सब करते थे देखभाल आदि करते थे उसके सब तोड़ फाड़ करके नया करके जो बनाए हमारे सब परिव्राजक महाराज इस स्थान को बहुत सुंदर रूप में उन्होंने दिखा सब सारे परिश्रम अक्लांत परिश्रम करते थे सारे ब्रह्मचारी के जो है सेवा में लगाते थे उनके अंडर में कितने 50-60 ब्रह्मचारी सब सेवा आदि करते थे दिन रात हम लोग सेवा में रहते थे ये समस्त स्मृति आदि आ जाते थे। फिर श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जो मथुरा में आते थे और यहाँ पर इसके ऊपर इस स्थान पर गुरुदेव रहते थे श्रील गुरुदेव जो है इस स्थान पर रहते थे। उस समय जो हमारे नित्यला प्रश्न विष्णुपाद भक्त परिप्राजक आचार्य वर्जन पर्यटन महाराज जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उस समय गुरुदेव उस स्थान पर रहते थे और श्रील गुरुदेव हम लोग के जो है जैव धर्म ग्रंथ आदि पढ़ाते थे और ये समय सेवा आदि में लगा देते थे। श्रील गुरुदेव नित्यला प्रश्न विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज वो कटहल के पेड़ के नीचे जहाँ हम लोग बता रहे थे यहाँ पर गुरुदेव वहीं पर बैठते थे और वही वास्तव रूप में जो हम लोग के जन्म स्थान है वो क्योंकि वहाँ पर गुरुदेव हम लोग की जो है दीक्षा मंत्र आदि सब कुछ दिया तो ये स्थान अतीब सुंदर मनोरम स्थान है। इस स्थान को हम आते हैं विशेष हृदय में बड़ी दुख की बात है नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमा श्री भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज जिन्होंने मुझे इस मठ वास के लिए अत्यंत प्रेरणा की और उन कृपा करके उनकी सेवा भी मुझे प्रदान किया था। कुछ समय तक मैं उनकी जो चरण सेवा भी किया उनके लिए रसोई बनाना और उनके लिए मैं उसी पर रहते थे जहाँ पर परम गुरु महाराज के भजन स्थलीय जहाँ पर हम लोग गए थे और उनके पीछे जो है वो उनके छोटा भजन कुटीर था। उस समय इतना बस विशाल नहीं था जो हम लोग जहाँ पर गए थे वहीं पर उन्हें रहते थे सदा सर्वदा उनके जो है अस्वस्थ रहते थे तथापि बुखार में भी सदा सर्वदा काम आदि करते थे। जैसे काल हम लोग गए थे बगानबाड़ी जो कहते हैं बगीचा जो है गए थे जहाँ पर त्रिगुणानंदित आश्रम त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के समाधि स्थल जो है और वहीं पर जो है श्रील महाराज श्रील मधुसूदन महाराज की भी वहीं पर समाधि भी दिया गया और उस स्थान पर श्रील मधुसूदन महाराज जी कैसे सेवा आदि करते थे सब ब्रह्मचारी के लेकर के वहीं पर पेड़ आदि लगाते थे और श्रील महाराज जी यहाँ पर सेवा में कैसे लगाते थे। उस समय मठ की इतने आर्थिक जो है सच्छलता नहीं था उस समय कैला बोलते हैं कैला जो है उसके जो छोटा छोटे टुकड़े होते हैं धूल जैसे होते हैं उसके साथ गोबर लगा करके और छत पर हम लोग सब देते थे और उस समय ये सेवा आदि होता था रसोई कार्य में होता था। ये समस्त स्थान इतने सुंदर हो जाता था स्मरण आ जाता है हमारे श्रील गुरुदेव श्रील वामन गोस्वामी श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज अधिक समय जो है बाहर में रहते थे प्रचार कार्य में सदा सर्वदा व्यस्त रहते सिलगुड़ी अथवा आसाम आदि विभिन्न स्थान 24 परगना आदि ये समस्त स्थान में जो है प्रचार कार्य में व्यस्त रहते थे। तथापि गुरुदेव जब आते थे तो गुरुदेव वहीं पर वो कटहल पेड़ के नीचे बैठते थे और उस समय हम लोग सब ब्रह्मचारी चारी तरह जो मधुमक्षी के भांति बैठ जाते थे और गुरुदेव उस समय गीता भागवत की श्लोक लेकर के तत्व सिद्धांत आदि बताते थे और ये समस्त स्मृतियाँ आ जाती हैं। फिर यहाँ पर गौशाला भी है ये गौशाला की अवदान भी जो है श्रील महाराज जी के भी है यद्यपि परम गुरु महाराज के समय से ये गौशाला भी चल रहे हैं
किंतु ये गौशाला के जितने भी उन्नयन जो है श्री गुरुदेव ने किया था, और इसलिए मैं गुरुदेव के चरण में और श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज के चरण में बार बार मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे हृदय में सदा सर्वदा अनुप्रेरणा करें, उसी प्रकार गुरु वैष्णव की सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हो। वंशा गुरु कृपा सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णव भो। हरे कृष्ण। আপনাকে আগেও বলেছিলাম এই যে দুই মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজের এই 2021 ক্যালেন্ডার ইয়ারে দুবার ব্যাস পূজা, একবার জানুয়ারিতে হয়েছে আবার ডিসেম্বরে হবে। শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের দুইবার তিরোভাব তিথি, একবার জানুয়ারিতে হয়েছে আবার ডিসেম্বরে হবে। গুরুদেব বলতেন আতুল ভক্ত কেবল গুরুদেবেরই নয়, আমাদের অধিকাংশেরই আতুল ঘর এখানে। আমার গুরু মহারাজের জন্মস্থান তিনটা, ওনার হরিনাম জন্মস্থান, স্পিরিচুয়াল পারমার্থিক জন্মস্থান চৈতন্য মঠ, দীক্ষা কৃষ্ণনগর কোর্ট সরি কৃষ্ণনগর জেল আর সন্ন্যাস, এখানে তিনটা জন্মস্থান আমার গুরু মহারাজের। দেখ এখানে গোবিন্দ হয়ে আসে কি হরিজন মহারাজ বল, হরিজন মহারাজ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अष्टमुनि गुरुपाल पद्म जगद्गुरु नित्यलीलाप विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री समद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज चरण कमली अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी। तदंतर मदीय शिक्षा गुरु और सन्यास गुरु जगद्गुरु नित्यलीलाप विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री समद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमली अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी। তন্তর অসমদীয় পরম গুরুদেব জগৎগুরু নিত্রীলাভ বিষ্ণু বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী সদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অনন্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করি। তদন্তর নিত্রীলাভ বৈষ্ণব বিষ্ণুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ এর চরণে অনন্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করি। পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ মাতৃবৃন্দ সজ্জন বৃন্দ চঞ্চল দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করি। আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি এখনই শুনলেন, এবং আমরা যখন সময় কেশবজি গৌড়ীয় মঠ থেকে আসতাম এখানে, সেই সময় শ্রী নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বলতেন এটা আমাদের আতুর ঘর। তো এখানে শ্রী পরম গুরুদেব কাঁঠালতলা মঠ স্থাপন করলেন, সেই কাঁঠালতলা মঠে তিনি ওই কোণে ঘরে থাকতেন, এবং নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় যতক্ষণ না পরিবেশন শেষ হচ্ছে সেই সময় গিয়ে পরম গুরুদেব অবস্থান করতেন, আর প্রচণ্ড শীতের সময়ও তিনি ওই বারান্দায় বসে থাকতেন, সকালবেলাতে টাকা পয়সা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসতেন, আর দ্বিতীয়বার টাকা পয়সা নিতে আসতেন না, ওই দিয়েই উনি ওই দিন অতিবাহিত করতেন। এখানে তিনি অবস্থান করছেন সেই সময় কী হলো, কয়েকজন বৈষ্ণব ঠাকুর এসেছেন পরম গুরুদেবের সতীর্থগণ, চিন্তা করছেন কি দিয়ে বৈষ্ণব সেবা হবে, চিন্তা করছেন এমন সময় একটা চড়ুই পাখি কী হলো একটা টোবলা এখানে ফেলে দিল, সেই দিয়েই বৈষ্ণব সেবা করলেন। ওই জন্য চড়ুই পাখিকে খুব ভালোবাসতেন পরম গুরুদেব।
से परम गुरुदेव तीन जन स्तम्भ एखने सुनल भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एखने जख समय मठे आसे से समय तक समय नवीन कृष्ण प्रभु सुदन्न प्रभु हमें और दूजन श्री नारायण गोस्वामी महाराज हमें एखे उपदेशामृत शिखात और बोलें कि यहाँ सब पढ़ाशनार भय और मठे चले सब एकदम घड़ी धरे चारटे समय पाँच जन के पढ़ा शेखाना शेखात श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज गौड़िया वेदांत समितर माँ क्यों तीन गुरु सेवा कर तार प्रमाण बा तार जे उदाहरण समस्त वैष्णवगण दिए बन महाराज दिए गुरु महाराज एखने एक समय नवद्वीप परिक्रमा आसते परें ना असुस्थ छिलेन आमी छिलाम संगे आसिल गोपीकान्त ब्रह्मचारी जनार्दन महाराज छिलेन सेई समय एकटा चिठी लिखतेन श्री नारायण गोस्वामी महाराज के देखुन ओखाने बोलछेन ना जे आपनी आसुन परिक्रमा एरकम बोलछेन ना जे एटा आपनार गुरु सेवा हाँ आमी आपनाके निमंत्रण करछि एरकम नय एटा आपनार गुरु सेवा आपनी धाम परिक्रमाय आसबेन ए तो जानेन सब तो गुरु महाराजर महिमा एवं श्री नारायण गोस्वामी महाराज महिमा और त्रिवक्रम गोस्वामी महिमा हमारा अन्न्य वैष्णव श्रवण करो वंशा गल्पतर बाज कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण जय जय मोदी। আমাদের শ্রী গণ মহারাজ বলছিলেন কয়লা দিয়ে ঘুটে দিয়ে প্রথা মনে পড়ে গেল। আপনারা সকলে আমাদের কৃষ্ণদাস গ্রন্থ জানতেন, তিনি কীর্তন এক্সপার্ট। ও যখন মঠে এসেছে খুব দুর্লভ কালো ছিল, বাইরে থেকে কয়লা এসে কয়লা বইতে হবে, কারণ ও গিয়ে গোস্বামী মহারাজ তার নাম ছিল নিকুঞ্জ প্রভু। বলছে প্রভু প্রভু আমি একে এত কালো আর কয়লা বইলে আরো কালো হয়ে যাবো, আমার গুরু মহারাজ কখনো কোন প্রশ্ন বিন্দা সহন করতেন না। যখন গুরুদেব বিদেশে প্রচার আরম্ভ করেছেন প্রথম থেকে বিপুল প্রচার, এখানে গুরু মহারাজ নাট্য মন্দিরে পাঠ করছেন, গুরু মহারাজ উপরে আছেন, ইস্কন্ধে অনেক লম্বা চৌড়া মোটা সোটা সন্ন্যাসের নাম বলব না। গুরু মহারাজ এসেছেন, এসে বলছেন যে এখানে আপনাদের নারায়ণ মহারাজ প্রচারে গিয়ে আমাদের প্রচারকে নষ্ট করে দিচ্ছে, ওনাকে বুঝান। যখন কিছু বলে গুরু মহারাজ হরে কৃষ্ণ, যেই নিন্দা করেন গুরু হরে কৃষ্ণ, মানে কোন খারাপ কথা শুনবেন না। গুরু বলছে বেটা আপদটা গেলে বাঁচি, যাচ্ছে না। তখন বলছেন গুরু মহারাজ দেখুন এখানে আমি কিছু বুঝি না, আমি কিছু জানি না, আমার যে আমার গার্জেন আছে ওনার কাছে যান, আমাদের সেক্রেটারি সব কিছু কোথায় গিয়ে জিজ্ঞেস করি কোথায় আছে। আমাদের কৃষ্ণ কৃপা প্রভু যিনি পরে মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ হন, উনি ওখানে ঝাড়ু লাগাচ্ছিলেন, ওখানে কাঁঠাল গাছ টা ছিল, সব তো বিল্ডিং সব ছিল না, একটা গামছা পরে ওই সন্ন্যাসী ভাবিয়ে দেখে একটা চাকর হয়তো বলে এই তোমার সেক্রেটারি কোথায়, বলছে যান ওখানে নাতিকে পাঠ করছে। কিন্তু জানেন না এই মাঠের মা ভাবছে চাকর গামছা পরে আছে ঝাড়ু দিচ্ছে। বলছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়, বলে যার কাছে নালিশ করতে আসবেন যে আগে গুরু হয় বললেন আমার গার্জেন এসে রয়েছে নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, ওখান থেকে হাত ধরে পালা এই সেই স্থান। এখন এই পূজ্য বাচ্চিধর্মে অনুরোধ করি হিন্দি কিছু বলবেন শ্রী শ্রীধর মহারাজ। ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ तुले बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत श्रील भावन गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट विष्णुपा श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी वैष्णव वैष्णवी सभियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग ने परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में उपस्थित हुए हैं आप लोग ने सबके सब श्रवण किया है। श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सर्वप्रथम इन्होंने इसी मठ को उन्होंने स्थापन किया है, इसलिए महाराज जी बड़े वैदांतिक और बड़े तत्वदर्शी और बड़े ज्ञानी थे। इसलिए उनकी जो हर क्रियाएं हैं उनकी हर जो एक्टिविटीज कुछ एक अलग चीज को जैसे लक्ष्य करता है। जैसे कि मंदिर का नाम उन्होंने क्या दिया बोले श्री देवानंद गौड़ीय मठ। ये नाम उन्होंने दिया बोले किस लिए दिया पहले ये देवानंद गौड़ीय मठ ये देवानंद पंडित जी ये तो थे बड़े विद्वान लेकिन भागवत शास्त्र तो पाठ करते थे लेकिन भागवत का जो एक एक अक्षर है वो रसमय है बोले सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवत मिश्रते तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। भागवत का हर अक्षर रसमय प्रेमय है लेकिन श्री श्रीवास पंडित जिसको सुन करके बोले बरहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशयम वैजंती चमालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। बोले जिस श्लोक को सुन करके श्री देवानंद श्री श्रीवास पंडित जी प्रेम में विभोल हो गए लेकिन जब उनको शरीर में अष्टसाती की जो विकार प्रकट हुआ देवानंद पंडित होगा ये कहाँ से उत्पात आ गया है कथा सुन रहे थे यहाँ पर उत्पात निकाल दो यहाँ से लेकिन वो कुछ बोले नहीं लेकिन महाप्रभु सर्वांतर्यामी थे। इसलिए आप लोग देखे होंगे वहां पर उन्होंने भागवत ग्रंथों को फाड़ डाले मतलब जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ करके उसका वास्तव जो अर्थ भगवत का प्रेम है अगर यह चीज को कोई प्रतिपादन नहीं करते हैं कभी यह ग्रंथ को उन्होंने फाड़ दिए महाप्रभु ने। इसलिए इन्होंने ये देवानंद गौड़ीय मठ राम रखा और इनका जो मंदिर उन्होंने जो बनाया बड़े वैदांतिक सैद्धांतिक बड़े तत्व दर्शन रूप में बनाया। आप लोग जब गेट में प्रवेश करोगे वहां पर देखोगे वो तोरणों का नाम उन्होंने दिया नरहरि तोरण। बोले नरहरि कौन थे बोले प्रभुपाद का अत्यंत अत्यंत ये प्रिय सेवक थे। वो शिक्षा देते हैं भगवत भक्ति में प्रवेश करना अगर कोई चाहते हो प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्तनम्। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो गुरु जी की सेवा नहीं करते हो तब तक तुम्हारी भक्ति जगत में कोई स्थान नहीं। इसलिए बोले बिनु गुरु भवन दि तरह न कोई जो बिरिंच शंकर सम होई। इसलिए उन्होंने गेट का नाम उन्हें नरहरि नाम दिया और उसको ऊपर क्या लिखा
बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, गुरु जी की शरण लेकर करेंगे क्या, करेंगे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम को ये आश्रय ग्रहण करेंगे। लेकिन पीछे जो एक गेट है ना, उसका नाम रखा मदन मोहन तरण। बोले मदन मोहन नाम तरण क्यों रखा, बोले कारण है अगर गुरु जी की कृपा से जब जीव हरि नाम का आश्रय ग्रहण करे, लेकिन जीव का जो प्रवेश, जीव का जो गति किया है, बोले तासांग आवृत सौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमथम मनमथम। इसलिए जीव का जो प्रवेश है, जब गोपियों ने गोपी गीत को गाए, उस समय कृष्ण स्वयं मनमथ का मनमथ रूप लेकर के जहां पर प्रकट हुआ। इसलिए जीव का जो प्रवेश है अंतिम, इसलिए श्रीरास मंडले निजुक्त कर आमाय, लास्ट में जीव का जो प्राप्य है वो रास मंडल में ही दिव्य रस में प्रवेश करना, अद्भुत रूप में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ में एक स्थान है जिसका नाम प्रेस, उसका नाम देगा वैकुंठ वार्ता। वो प्रेम का जहाँ पर ग्रंथ छपता है वो क्या है, कहती है वैकुंठ गोलोक वृंदावन का वार्ता को जहाँ पर ये बहन करते लाते हैं, ये नाट मंदिर कीर्तन ये सदा हरी। और यहाँ पर उन्होंने नाम, ये जो मंदिर का नाम, इनको सेवा नाम रखे, जो मंदिर जो बनाया वो भी इसका अद्भुत रूप में, जहाँ पर उन्होंने रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क को स्थापन किया। बोले कारण किया, बोले संप्रदाय विना जे मंत्रास्ते है विफला मता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। जब तक हम वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए इसको ऊपर में बंसुरी दिया, बंसुरी जैसे कृष्ण जगव कलौ बाम दृशा मनोहरा, जैसे कृष्ण बंसी ध्वनि को धरा, समस्त ब्रज गोपियों को उन्होंने बुलाया। इसलिए उन्होंने जो बनाया और उसको पास में था गौशाला, उसका नाम क्या रखा, बोले गोवर्धन खंड, गोवर्धन गोवर्धन खंड उसका नाम रखा। फिर और एक विशेष बात उन्होंने बताए, जहां पर पैखाना, जहां पर लोग पैखाना करते हैं, उसका नाम रखा ज्ञान खंड है। इसका मतलब ज्ञान को उन्होंने किस रूप में स्थापन किया, पैखाना जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लेना नहीं, वो क्या है, वो पैखाना है और बिष्टा है। मतलब उनका जो अद्भुत रूप में, उनकी जो उन्होंने जो एक एक फिलोसफी रूप में जो मंदिर स्थापन किया ना, अद्भुत रूप में, देखो मंदिर में देख, उनका नाम भी क्या है, बोले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। उनका नाम भी एक दिव्य वस्तु का स्थापन करता है, केवल केशव नहीं, बोले भक्ति प्रज्ञान, बोले भक्ति प्रज्ञान मतलब बोले केवल ज्ञान नहीं हो, प्रज्ञान, बोले प्रज्ञान कब होता है, बोले ज्ञानों में परम गृहम जत विज्ञान समन्वितम तरहस्य तदगंच गृहाणम गदितम मया। इसलिए जिस समय ब्रह्मा जी को भगवान ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया, बोले ज्ञान नहीं, ज्ञानों में परम गुह्यम, बोले परम ज्ञान कब है, बोले जब श्री केवल ज्ञान स्वरूप कृष्ण, जब उनको साथ में श्रीमती किशोरी जी हो, तभी वो क्या है, तभी वो विज्ञान है। लेकिन केवल विज्ञान नहीं, कता कत ज्ञान तद विज्ञान त रहस्यंच, रहस्य मतलब भक्ति, तदगंच मतलब है जब राधा कृष्ण, कृष्ण तो पूर्ण राधा रानी को सामने सुंदर, लेकिन जब ये ब्रज गोपियों के साथ में हो फिर तो वो परिपूर्ण है। उसी तरह जो भक्ति प्रज्ञान है उनका नाम, विशेष प्रज्ञान मतलब क्या है, किस चीज को उपलक्ष्य करते हैं, जब प्रेम भक्ति को साथ में उनका अंग जब रूप मंजरी व रूपानुगत को जो जीव ग्रहण करता है तभी ये प्रज्ञान है। और जो मंदिर जो उन्होंने स्थापन किया, देखो राधा कृष्ण महाप्रभु और जितने उन्होंने सन्यासी का नाम क्या रखा, भक्ति वेदांत। कुछ लोगों ने इसको सब देख करके बोले क्या सब भक्ति वेदांत, वेदांत वेदांत मायावेद्यु का ग्रंथ है, ये सब क्या सब भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत बामन त्रिविक्रम और माधव बहन, ये सब क्या क्या, ये सब के सब वेदांत वेदांत किया है। उन्होंने जब कोई बोले, बोले वेदांत का मतलब क्या है, बोले वेद का जो अंत, वेद का सार,
वेद का सार क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। वेद मतलब निगम, उसका जो गलितम फल भागवत। बोले भागवत का सार क्या है? बोले भागवत का सार दशम स्कंध। बोले दशम स्कंध का सार क्या है? बोले दशम स्कंध का सार है जहां पर कृष्ण स्वयं कहते हैं न पारे अहम निरबद्ध सज्जुजा, ब्रज गोपियों का प्रेम ही। और जहां पर राधा रानी जब चली गई, जिस समय गोपियां ढूंढ रही थी, जब कृष्ण को दोनों चरणों के बीच में, जब श्री राधा रानी के चरण को उन्होंने देखा, क्या देखा? बोले अनयाराधित नुनम भगवान हरीश्वर, यही गोपी ही सर्वतम रूप में श्याम सुंदर के सेवा की, जिस वजह से कृष्ण सबको छोड़कर अकेले लेकर गई। जहां पर श्री राधा रानी का प्रेम को विग्रह रूप में भी, केवल श्री राधा रानी का प्रेम, कोई कोई बोले क्या जब सफेद लगता है केशव गोस्वामी महाराज, काला विग्रह क्यों नहीं लाए? लगता है काला विग्रह ज्यादा पैसा है ना, इसलिए सफेद विग्रह को स्थापना कर दिया। लेकिन इसलिए उन्होंने विनोद बिहारी अष्टव को लिख करके हमारे भक्तिवेदर नारायण गोस्वामी महाराज अद्भुत रूप में उसको व्याख्या की, अद्भुत रूप में उनकी फिलोसफी उसको अंदर में। बोले ये तीनों नहीं, ये राधा रानी का भाव को ले करके कलियुग में श्री महाप्रभु आए और इनके भाव में विभावित होकर श्याम सुंदर, उसी तीनों ही एक और उन्नत उज्ज्वल रस की एक तीनों ही प्रतीक है, जिसमें वो स्थापन करते हैं, जिसमें महाराधा रानी की ही विशेषत्व को स्थापन किया। इसलिए ये जो मंदिर है, ये मंदिर को उन्होंने इतने सुंदर रूप में अलग अलग जो नाम उन्होंने प्रदान किया है, अद्भुत रूप में उनके ज्ञान की गरिमा इसमें प्रकाशित होता है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम इसी मंदिर में आए, श्रील महाराज जी के आशीर्वाद लेकर जाएंगे, तीनों तीनों महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये हम सबको ऊपर में कृपा करे। मैं भी जब सबसे पहला आया यही पर आता था, और कृष्ण कृपा प्रभु जी उनके घर में सोते थे, वन महाराज और हम दोनों उनके घर में भी हम सोया करते थे उनके घर में। इसलिए हमको साधारण बच्चे रूप में बहुत प्यार देते थे। यहाँ पर सब महाराज ने हम लोग बड़े प्यार दिया, इसलिए वैष्णव कृपा के बगैर हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, सब वैष्णव लोग हम सबके ऊपर में कृपा करें। जैसे हम लोग जो नवद्वीप परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे ये नवद्वीप परिक्रमा हमारे सार्थक हो सके और वो ब्रज प्रेम में हमारी प्रवेश हो, हम सब यही गुरु वर्ग को श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। वंचा कल्प तरुभ्यः कृपा तुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। আমরা খুব শীঘ্রই সংকল্পের জন্য যাব। আপনারা বিভিন্ন বক্তাগণের মধ্যে মা ভক্তকে শুনলেন। এখানে আমাদের পরম গুরুদেব শিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এই মঠের নাম দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ কেন রাখলেন, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেইটুকু বুঝেছি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। আপনারা বিদ্বান বিচারক বিবেচক বিবেচনা করে দেখবেন, পরম গুরুদেব যে কিছু করতেন তার একটা না একাধিক অর্থ। যেমন বলছেন কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে, যখন কৃষ্ণ গোপীগণকে বংশীধ্বনির দ্বারা আহ্বান করেছিলেন, ওনারা বলেন ঘরে যাও গুরু সেবা সব করই বলেছিলেন। পরে কখন বলেছি এরকম ঘোর সত্য নিশ্চয় বিতাম, বলছেন না ওখানে অঘর সত্য নিশ্চয় বিতাম, আমি শ্লোকে ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। তো ওখানে তদ্রূপ পরম গুরুদেবের যে কিছু করেন একাধিক অর্থ, ঢুকবেন নরহরি তোরণ দুটো অর্থ, নরহরি ওনার প্রিয়তম গুরু ভাই যিনি গৌড়ীয় মঠের মা ছিলেন, তার উনি কিনি উনি সেবক ওনার অর্থ, আর দুসর অর্থ কি সমস্ত বিঘ্ন বিনাশনকারী নৃসিংহদেব যার অপর নাম নরহরি, এই দুটোর জন্য নরহরি তরণ। আসুন এইবার এখানে যে পরে আছে মদন মোহন দুয়ার, বলছে সিংহের বাচ্চা সিংহই হয়, ছিল গুরুদেব এই ধর্মশালা সব করার পর ওই যে গেটের নাম রাখলেন মদন মোহন তরণ, মদন মোহন দুয়ার কেন? গুরুদেবের দুটো অর্থ দেখেছেন, যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সম্বন্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভজনে প্রবেশ হবে না।
সম্বন্ধের অধিদেবতা কে? মদনমোহন। এই মদনমোহন দ্বারে আসতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ, এর সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন গুরুদেবের শিষ্য বনবারীলাল সিংহানিয়া, তার বাবার নাম মদনমোহন, ওনাকেও সম্মান দিলেন। এই জন্য দুটো অর্থ। এবার আসুন দেবানন্দ মঠ কেন নাম দিলেন। আপনারা সকলেই জানেন পরম গুরুদেবের ব্রজের নাম ছিল কি, কি মঞ্জরি ছিলেন উনি? বিনোদ মঞ্জরি। বিনোদের অর্থ কি? যিনি বিশেষভাবে নোদন করান, আনন্দ বিধান করেন। কার? দেবের। দেব কে? বলছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব, যিনি নিজের সেবার দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপুরুষ সেবা বিধান করেন, তিনি হলেন কে? এই আমাদের বিনোদ্দা বা শিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। ওই মহাপ্রভু সেবার জন্য নাম রাখলেন দেবানন্দ, দেবকে আনন্দ। আবার কি? দেব ভবন্তং বন্দে। ওখানে কাকে বলছেন? কৃষ্ণকে। তাহলে ইনি কী করছেন? নিজের সেবার দ্বারা বিনোদ মঞ্জরি রূপে কৃষ্ণের সেবা বিধান করছেন। কেন অনেক বড় সব পণ্ডিত আছেন, আমাকে বা জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাহলে তো গৌরীর আরাধ্য তো রাধিকা, মদিশা নাথত্যে ব্রজ বিপিন চন্দ্রম, কৃষ্ণ তো আরাধ্য নয়, ওনার সঙ্গে আমাদের দুর্গত সম্বন্ধ, নিকট সম্বন্ধ রাধারানীর সঙ্গে। তাহলে পরম গুরুদেব রাধারানীর নাম দেবের মধ্যে কোথায় আছে? আসুন চলুন ব্যাসদেবের কাছে একটু নিবেদন করি, যিনি গ্রন্থরূপে লিখেছেন উনি কি বলছেন? শক্তি শক্তি মাতর আবেদাহ, দ্যাট ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন পটেন্ট অ্যান্ড পটেন্সি, শক্তি এবং শক্তির মধ্যে ভেদ নাই। এখানে দেব বলতে কি, যেমন কৃষ্ণ রাধিকাও দেব সেব দাদার অন্তর্ভুক্ত। আপনারা সকলেই বর্ষানায় গিয়েছেন, দেখবেন ওখানে লেখা আছে লাডলি মহারাজ। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই গিয়েছেন, কেউ কোনো দিন প্রতিবাদ করেন নাই। রাধারানী তো স্ত্রী শব্দবাচী শব্দ, মহারাজ তো পুরুষবাচী শব্দ। দেখুন এখানে কেন ওই শক্তি মুখ শক্তির মতোর অভেদহ, এইভাবে সামঞ্জস্য। পরমদেব কি করছেন? চৈতন্য দেব, কৃষ্ণ দেব, রাধা দেবীর যিনি শক্তি শক্তি মতো অভেদ, তিনজনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য নাম রাখলেন দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ। এইবার আসুন উনি যে ভক্তি বেদান্ত টাইটেল সবাইকে দিয়েছেন কেন, বলে এই তো জ্ঞানপরক নাম। আর গৌড়ীর আরাধ্য কে? শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানি সেবা করছেন কে? ওনার মঞ্জরীগণ, যে নিত্য সখী বা প্রাণ সখী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। প্রতিদিন সকালে যাবটে রান্না করতে যেতেন, কিন্তু সন্ধ্যায় যেতেন না, যাবট থেকে যেতেন নন্দভবনে রান্না করতে। সন্ধ্যের সময় নিজে কিছু যাবটি বানিয়ে উনি কী করতেন? মঞ্জরীগণের দ্বারা পাঠিয়ে দিতেন। কোন সময় এক মঞ্জরি, ধরুন রূপমতী হোক, রতি মঞ্জরি হোক, বা বিনোদ মঞ্জরি, রমণ মঞ্জরি, রাগ মঞ্জরি, কেউ মঞ্জরি ধরুন গিয়েকে দিয়ে পাঠিয়েছেন শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। আস্তে আস্তে যখন আসছেন হাসছেন, রাধিকা জিজ্ঞেস করে তার মঞ্জরিকে তুই হাসছিস কেন রে? বলছে না কিছু না কিছু না। বলে বল হাসে কি কারণে? যদি কোনো হাসার বস্তু হয় মনে পড়ে যায় তাহলে আপনা হতে মুচকি মুচকি হাসি আসবে, আর যদি সবাই হাসছে বুঝতে না পারলে ওখানে হাসি সংক্রমণ হয়ে যায়, হাসতে থাকে আর পাগল হাসে। তীর মধ্যে কোনটা? রাধিকা মঞ্জরি জিজ্ঞেস করে বলছেন না কি? বলে বল। বলছেন শৃণু সখে কৌতুকম একম নন্দ নিকেতনে মায়া দৃষ্ট গোধূলি ধূসরাঙ্গে নিত্যতি বেদান্ত সিদ্ধান্ত। বেদান্ত সিদ্ধান্ত কে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রন শ্যামসুন্দর। ওর আমি বেদান্ত সূত্র সব যাচ্ছি না। আমি ওখানে বলছেন কে? বলছেন শৃণু সখে কৌতুকম একম, হে সখী হে রাধিকে শুন, আমি একটা কৌতুক দেখে এসেছি। কি কৌতুক দেখেছিস রে? কোথায় দেখেছিস? নন্দনিকেতনে। কি দেখেছিস? গোধূলি ধূসরাঙ্গে নৃত্যতি বেদান্ত সিদ্ধান্ত, যিনি বেদান্তের তাৎপর্য, বেদান্তের সিদ্ধান্ত, তিনি গরুর খুরের দ্বারা উত্থি ধূলির দ্বারা ধূসরিত হয়ে ওখানে নৃত্য করছে। তাহলে এখানে বেদান্ত ভক্তি বেদান্তের তাৎপর্য কি? যে মঞ্জরীগণ যে দৃষ্টির দ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন, ওই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সেবা করা যারা করেন তারাই ভক্তি বেদান্ত টাইটেলের অধিকারী। এই জন্য পরম গুরুদেব ওনার সমস্ত সন্ন্যাসীদের ভক্তি বেদান্ত টাইটেল দিয়েছেন। আবার আসুন মহারাজ গৌর প্রবন্ধ বলছে, একটু শেষ করে দিচ্ছি। আরেকটা আসুন, যখন উনি প্রথম সন্ন্যাস দিলেন, শ্রী ভক্তি বেদান্ত বামন, শ্রী ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ, শ্রী ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম। গুরুমের নাম বামন দিলেন কেন?
বলছেন বামনকে তাৎপর্য কি আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ সকলে বাম্য ভাব দাক্ষিণ্য ভাব নয় বলছে বাম নয় উনি কি বাম্য ভাব নয় অথবা বাহ মন হরি গৌরি সেবার জন্য কিরে সুন্দর মন বাহবা ওখানে বামন আর দ্বিতীয় অর্থ কি বাম নয় উনি কি বাম্য ভাব নয় নখল গোপিকা নন্দন ভবান বিখন সার্থিত বিশ্বগুপ্ত এ বলছেন কৃষ্ণকে গোপীরা বলে তুমি কি গোপী নন্দন নয় নিশ্চিত গোপিকা নন্দন তদ্রূপ গুরু মহারাজের বাম না কি বাম্য ভাব না নিশ্চিত বাম্য ভাব বা নারায়ণ নর অয়ন নর মানে জীব তাদের আশ্রয়স্থল বেদান্ত সমিতির পরমগুরুদেবের পরে নিকির সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন হরি কথার দ্বারা আসুন ত্রিবিক্রম ওনার তিন লোকাই বিক্রম ওনার নাম হচ্ছে থত্তর কাপ্ত এই জন্য এই তিনজন প্রধান নাম দিয়েছেন আবার দেখুন পরমগুরুদেব প্রধান দুটি আবিষ্কার এই বলে আমি সমাপ্ত করছি পরমদেব প্রধান দুটি আবিষ্কার কি এক হলেন শ্রী নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ এক হলেন শ্রী ভক্তেন স্বামী মহারাজ আমি আগেও বলেছিলাম মথুরাতে ওনার দুজন উনি তো প্রথমে তিনজনকে সন্ন্যাস দিয়েছেন শ্রী বামন গোস্বামী মহারাজ শ্রী নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ শ্রী ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ পরবর্তী ওনারা সন্ন্যাসের পরবর্তীকালে ১৯৫৯ মথুরা কেশবজি গৌড়ীয় মঠে সন্ন্যাস হয়েছে ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ এই তিনজনের সন্ন্যাস এখানে হয়েছেন দেখুন পরম কেমন আবিষ্কার যদি পরমগুরু ওনাদের সন্ন্যাস প্রদান না করতেন তাহলে কি এত বিপুল প্রচার হতো আজ দেখছেন যে বিশ্বে আলোড়ন হয়েছে কৃষ্ণ কনসাসনেসেস কৃষ্ণ চেতনার এর মূল্যভূত পুরুষ হলেন আমাদের দাদু পরমগুরুদেব ছিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বলেছিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কি আবার দেখুন যখন আমাদের সন্ন্যাস হবে এই বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি গুরুভাই প্রণাম করতে গেছি গুরুভাই এই নৃসিংহ গৌড়ীয় কণ্ঠাট নবীনকে দেত আমি কি করব গুরু মহারাজ বুঝলে নাম চয়ন কর বলে একটা নাম ছেড়ে দিয়ে কী নাম বলে পরিব্রাজক আমি কে বলে কমলাপতি এটা বলে গেছে অন্যতি নাম বল বলি গুরুভাই আপনি বলুন বলছে ন দিয়ে ন্যাসি হয় নিরীহ হয় নিষ্কিঞ্চন হয় বেদে ১০৮টা নাম তার মধ্যে থেকেই দেওয়া হয় বলি গুরুভাই আরেকটা নাম কিন্তু বাকি আছে বেশ ছোট সুন্দর গুরুভাই ওদের হাস্য পরিহাস করতেন আমরাও করতাম গুরুভাই কিছু বললে হ্যাঁ আরাম যাদের হাত তুলবেন মারবেন না এরকম টাচ করবেন না আমি বলছি গুরুভাই একটা নাম আছে নগ্ন খুব জুৎসই হবে বলছে হ্যাঁ আরাম যাদা তুই নগ্ন হবি হাত তুলে পিছিয়ে গেলাম আমি বলি গুরু মহারাজ ওটা লাভ আপনাদের বলে কেন বলছি আপনারাই বলেন ফলে ন পরিচয়তে গাছ তোমার নাম কি বৃক্ষ বলে আমার ফল দেখে চিনে নাও তো গুরুভাই আমাকে নাম জিজ্ঞেস করবেন আমাকে নগ্ন জানবেই নগ্ন মহারাজ তারপর আপনাদের কাপড়ের খরচ বেঁচে যাবে আপনারা মহারাজ দেখ আমাকে কাপড় দিতে হবে না এবার আমরা সব প্রয়াস করতাম অনেক কিছু বলার আছে এখন থাক এখন চলুন আমরা মণিপুর ঘাটে যাব কোথায় সংকল্পের জন্য দেখুন আমাদের মধ্যে একজন অবর্তমান ছিল ভক্তিমান তীর্থ মহারাজ আমাদের যখন এখান থেকে আমরা গেলাম গুরুদেব তীর্থমাজে বলছেন তীর্থ মহারাজ তুই ২০০ লোক আনতে পারবে বলছে গুরুদেব দশ কি কমসে ২০০০ লোক নিয়ে আসবো এত কৃপা আছে আপনার এখন যে আমাদের এত বিখ্যাত চাল হয় মেন অবদান ওনার আর উনি কী করলেন যখন এত লোক সে গুরু কত প্রসন্ন হয়েছেন চোখ থেকে ছচ্ছ জল পড়েছে আমার সামনে আমি দেখেছি তো কেউ আই উইটনেস আমি আই উইটনেস এখন উনি আমাদের মধ্যে নাই উনি আমাদের কৃপা করুন আমাদের সঙ্গে অপ্রকট রূপেই আমাদের সঙ্গে চলুন সংকল্প করার জন্য হরে কৃষ্ণ খোল করতাল মৃদঙ্গ উঠে নিন গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল শিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কি জয় শিল ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কি জয় শিল ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ কি জয় শিল ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ কি জয় শিল পর্যাপ গোস্বামী মহারাজ কি জয় শিল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ কি জয় শ্রীমৎকান্ত বোধায়ন মহারাজ আমি
हेडफोन देने का देखो तो क्यों ड्रामा कर रहे हो ये ना बाद में दोगे बोलो घी I'm not.
আপনি কাটতে পড়ে করে বলতে পারেন না আপনার দুঃখ এবার বলুন যত ইচ্ছা বলুন परिक्रमा चालू हो चुका है और लोग भरे भरे कोरोना काल में भी बिना कोरोना को डरे हुए सब आ चुका है पूर्व करुणा हाँ अभी तक आपको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे थे रोहिणी नंदन प्रभु जिन्होंने परम गुरुदेव का सुबह सुबह इतना अच्छा सा वर्ड्स भेजते हैं प्रभु जी को धूप लग रहे हैं तो इसके लिए विद्यालंकर वाणी का टोपी उनको जरूर मिलेगा आज दोपहर को प्यास लग रहा पानी भी दे दो है गाड़ी है पीछे पानी का अरे गरम गरम पानी दे दो कम से कम तो नहीं ठंडा पानी का गाड़ी है पीछे ठंडा पकौड़े गरम रास्ता बीच का रास्ता छोड़ साइड में আপনি ডান্ডা নিয়ে না দিলে দৌড়ালে হবে না আপনার দরকার মহারাজ এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন বলুন কি করতে হবে সংকল্পের মন্ত্রটা বলে দিন আরে বলুন এখানে বলুন আর বলুন গুরুদেব বলছেন এবার বলবে এবার বলবে বলুন আরে মুখ বন্ধ কর চলো আরে সংকল্প জানতে চাইছে মুক্তি এই সাইডে তো গুরুদেব Maharaj is also joined with us now. Oh, Maharaj.
Okay, I will give all of your pranam and obeisance to Sir Kuber. Thank you so much. And continue with us and watch us. Thank you. हे भगवान, आधा लोग तो सामने ही हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैसे कोरोना काल में निकलते हैं। हमारे पास ये सबसे अच्छा कपड़ा बनकर दिया है, अच्छे कपड़े हैं बनने का। ₹70 का देख भी नहीं। अरे कपड़ा कुछ भी हो बनाने में ₹70 फ्री का बना बनाया दियोगे सब कुछ। हाँ गाड़ी साइड कर दे। कृपया थोड़ा साइड में आ जाइए, गुरुदेव आ रहे हैं। पिछला साल का कुछ याद कर रहे हैं? पिछले साल ये याद कर रहे थे हम, ये देवानंद गोडबोले ही संकल्प के दिन हम आए थे। सारे वैष्णव लोग नीचे जो है बात कर रहे थे, कथा बोल रहे थे। हम मतलब सर भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज के उनकी विस्तार पर बैठ करके कुछ हरि उनके जीवन चरित्र और उनके साथ कैसे संपर्क और वो फल छोड़ करके और कोई अलग शक्ति जो है ये सब नहीं बताते थे, सब अपने आप आत्म प्रशंसा करते थे। ये बोलते थे नौका भाड़ा करो रास्ते दिख रहे हैं। क्या हुआ, रास्ता भी दिखाना है ना, चरण दिखा रहे हैं, चरण नहीं आ रहा, प्लेसमेंट नहीं है। इन्होंने कुछ बताना चाह रहे हैं? हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग बने रहिए। हरे कृष्णा, आप लोग बीच का रास्ता छोड़ दीजिए, गुरुदेव आ रहे हैं, बीच का रास्ता छोड़ दीजिए। अरे अभी सेटअप करना पड़ेगा ना, क्या नौका अच्छा है? नौका नहीं, একটা 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 নৌকা ডাকো, ডাক্তার রেডি করতে হয় আগে থেকে। আপ লোক রাস্তা ছোড় দিজিয়ে, গুরুদেব আরে পিপিয়া বীজ কে রাস্তা ছোড় দিজিয়ে। आपकी इस मेहनत को कोई समझ पाएगा? जो लोग देखते हैं वो इस मेहनत को समझ पाएंगे? कितनी दौड़ लगानी पड़ती है। एक तो नौका ढूंढ रहा है, नौ भी नहीं।
बोला गंगा पापंग शशि तापंग दैनव कल्प तरु रहत पापंग तापंग तथा दैनम शुद्ध संता समागम है। अब इस श्लोक का जो व्याख्या है वो थोड़ा देर में पता चलेगा। श्री गुरुदेव कहते हैं गंगा पापंग शशि तापंग दैनव कल्प तरु रहत पापम तापंग तथा दैनम शुद्ध संता समागम है। महाराज जी भी आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा बरा रही है। देखो हमारा नीताई पलवन, देखो ये सब बॉडी बिल्डर लोग आज तैयार है। पलवन भी यहाँ खड़ा है, इसको तो तैरना नहीं आता है, यहाँ पे सिला दिखा रहे हैं, घुटने तक पानी में भी जाएगा नहीं। ओ श्याम प्रभु, यही तो पीछे तो स्नान कर रहे हैं। भाई लोग बीच में मत आना। हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग थोड़ा सामने से हट जाएंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा है। अरे बस करिए बस करिए। बोलो गंगा माता की, बोलो गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। पार्टी भी सेंटर करना है वही तो गंगा माता खड़े, इसलिए आप ये बोल रहे थे छोटे छोटे भाई से काम का बड़ा मैं आएगा ना। भाई जी आप हमारे लेवल पर आ जाओ, आपके लेवल पे मैं नहीं जाता तो फिर गिरा दे हो जाए। अरे आपको नहीं लगा कि किसी लगा, आओ किसी लगा सारा कैमरा मैन आ रहा है ना, आप लेवल पे आ जाएंगे तो आप नजर आ रहे हो सारा कैमरा मैन आ गया ना। अरे माइक तो आने दीजिए ना, माइक माइक छोड़ के बस कुछ ही देर में चालू हो जाएगा। आज का नहीं इस साल का नवदीप परिक्रमा का संकल्प से माइक आने का प्रतीक्षा है। माइक आ गया, माइक छोटा माइक तो है, बड़ा माइक आ रहे हैं। महाराज जी प्लीज आप सबको छोड़ दिया, थोड़ा सा इधर हो जाए थोड़ा सा। प्रभु जी यहाँ पीछे आ जाओ, जी आपको हाथ आ रहा है, एक लेवल में आ जाइए सब लोग, एक लेवल पर खड़े हो जाओ, दिक्कत नहीं होगी। पीछे पकड़ा बैग बैग बैग
हर साल आता है भाई हाँ दिखे मार बाइक अरे हर साल तो आता है पानी में आना पड़ेगा ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।